अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे डीएचए वैली इस्लामाबाद सेक्टर मैरी गोल्ड की कि सेक्टर मैरी गोल्ड में कब तक वर्क स्टार्ट होगा और वहाँ पे प्राइस क्या चल रही है। व्यूअर्स, डीएचए वैली इस्लामाबाद में सेक्टर मैरी गोल्ड में बहुत जल्द डेवलपमेंट के काम का आगाज़ होने वाला है। अब जो आने वाला मुमकिन है बैलेट हो, उसमें मैरी गोल्ड को भी बैलेट किया जाए और उसके साथ साथ जीनिया और स्नो ड्राप के जो सेक्टर हैं इनको भी बैलेट में शामिल किया जाए। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जब ये बैलेट होगा और आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है मुमकिन है 1-2-4 माह या 6 माह के अंदर सेक्टर जीनिया, स्नो ड्राप और मैरी गोल्ड का गवर्नमेंट का काम जो है वो शुरू होने वाला है, अब तक की जो हमारे पास न्यूज़ है उनके मुताबिक। अगर हम प्राइस की बात करें तो मैरी गोल्ड में 5 मरला इस वक्त मिनिमम 21-22 से शुरू होती है, तो 26-27 लाख रुपये तक चली जाती है। उसमें ट्रांसफरेबल, ओपन और सरचार्ज पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा सरचार्ज वाली फाइल का रेट कम है और जिस फाइल का सरचार्ज कम है उसका रेट ज़्यादा है। थ्रू आउट ज़ीरो फाइल मैक्सिमम इस वक्त 24-27 लाख रुपए की सेल होती है 5 मरला की। इसके बाद जो 8 मरला की फाइल है सेक्टर मैरी गोल्ड के अंदर, वो तकरीबन 28-29 से शुरू होती है, मैक्सिमम 35-36 तक जाती है। ट्रांसफरेबल ज़्यादा सरचार्ज वाली फाइल जिसकी 3-4 लाख रुपये सरचार्ज है, वो 28-29 की इस वक्त सेल होती है। जो ओपन फाइल है कम सरचार्ज वाली 30-31-32 में, और जो थ्रू आउट ज़ीरो ओपन फाइल है वो तकरीबन 35-36 में, थ्रू आउट ज़ीरो अगर ट्रांसफरेबल हो तो 32-33 में इस वक्त सेल हो सकती है। तो ये सूरत हाल थी अभी तक सेक्टर मैरी गोल्ड डीएचए वैली इस्लामाबाद की, ताज़ा तरीन अपडेट जो इसकी करंट अभी प्राइस चल रही है। तो इंशाल्लाह जब आने वाले वक्त में डीएचए वैली में सेक्टर मैरी गोल्ड की डेवलपमेंट का काम शुरू होता है और प्राइस इस एरिए में कम होती हैं, बढ़ती हैं या इसी जगह पे रुकी रहती हैं, जो भी नई अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतने, थैंक यू।